दोस्तों 1957 में इंग्लैंड के शहर न्यूकैसल में एक लड़की पैदा हुई। इसका नाम मैरी बेल रखा गया। मैरी अपनी माँ बेटी के साथ रहती थी, लेकिन मैरी की माँ का सलूक मैरी के साथ अच्छा नहीं था। इसको अपनी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि इसने कई दफा कोशिश की कि मैरी को कोई और अडॉप्ट कर ले, लेकिन बेटी की बहन यानी मैरी की खाला हमेशा मैरी को वापस ले आती थी। दोस्तों मैरी बचपन में कई दफा हादसों का शिकार भी हुई थी। कभी ये लड़की खिड़की से नीचे गिर जाती और कभी इसको नींद की गोलियां खिला दी जाती थी। कहते हैं कि इसके पीछे भी इसकी माँ का हाथ था। दोस्तों जब एक बच्चे को उसके बचपन में ऐसा माहौल मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जहनी हालत ठीक नहीं रह सकेगी, और यही कुछ मैरी के साथ भी हो रहा था। ये हर वक्त दूसरे बच्चों से लड़ती रहती थी। ये अक्सर अपने क्लास में बच्चों का गला दबाने की कोशिश भी करती थी। बहरहाल दोस्तों वक्त गुजरता रहा और जैसे जैसे मैरी बड़ी होती गई, ये लड़की मजीद वॉयलेंट होती जा रही थी। जैसा कि ये 11 मई 1968 का दिन था जब मैरी ने अपने पड़ोसियों के एक 3 साल बच्चे को काफी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था। उस वक्त सबको लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन मैरी ने ऐसा जानबूझकर किया था। इसके कुछ दिन के बाद ही मैरी के पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतों ने पुलिस को शिकायत की कि मैरी ने इनके बच्चों का गला दबाकर इनको मारने की कोशिश की है। मैरी की उम्र उस वक्त सिर्फ 10 से 11 साल थी, इसीलिए पुलिस ने इसको समझाया लेकिन अरेस्ट नहीं किया। लेकिन पुलिस के वहमो गुमान में नहीं था कि मैरी एक 10 साल की लड़की कितनी एग्रेसिव हो चुकी है। और दोस्तों कुछ दिनों के बाद ही यानी 25 मई 1968 को वो हुआ जिसने मैरी को एक कातिल बना दिया। मैरी बेल ने 4 साल बच्चे मार्टिन ब्राउन को एक वीरान घर में गला दबाकर मार डाला। दोस्तों दरअसल उस जगह कई पुराने घरों को तोड़कर नए घर तामीर किए जा रहे थे, और पुराने घरों में रहने वाली फैमिलीज के बच्चे अक्सर वहां खेलते थे। मैरी ने उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को कत्ल किया था। इसके अगले दिन ही मैरी की सालगिरह भी थी, यानी ये 11 साल की होने वाली थी। बहरहाल मैरी के जुर्म की दास्तान यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद मैरी अपनी एक दोस्त नॉर्मा के साथ बच्चों के एक स्कूल में घुस गई और इसने वहां कागज पर लिखा कि मैंने उस बच्चे को कत्ल किया है और मैं और भी बच्चों को कत्ल कर दूंगी। लेकिन स्कूल वालों को लगा कि मैरी ने ये सब मजाक में लिखा है। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद एक और बच्चा मैरी का शिकार हो गया। ये 31 जुलाई का दिन था जब मैरी बेल ने अपनी दोस्त नॉर्मा के साथ मिलकर एक 3 साल बच्चे ब्राइन हॉवे को गला दबाकर मार डाला। इस दफा इन दोनों ने इस बच्चे की लाश को कैंची से बुरी तरह काट डाला था। ये बच्चा भी मैरी के इलाके में ही रहता था। दोस्तों मैरी बेल के इलाके के 2 बच्चे कत्ल हो चुके थे। पुलिस अब हरकत में आ चुकी थी। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक और अहम बात पता चली। दरअसल ब्रायन की लाश से पुलिस को यह पता चला कि इसका कातिल कोई बच्चा होगा, क्योंकि इसका गला इतनी ताकत से दबाया नहीं गया था, यानी ये किसी बच्चे का काम लग रहा था। इस इंकशाफ के बाद से ही पुलिस ने इस इलाके के बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। दोस्तों मैरी और इसकी दोस्त नॉर्मा इस इन्वेस्टिगेशन में अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। पुलिस ये भी जानती थी कि मैरी उस दिन 3 साल ब्रायन के साथ देखी भी गई थी, यानी पुलिस को अब मैरी पर शक हो चुका था। इन्होंने फिर से मैरी से पूछताछ की। मैरी अब घबरा गई। इसने एक फर्जी कहानी बताई कि इसने उस दिन एक लड़के को कैंची के साथ देखा था, और दोस्तों बस इसी बात ने मैरी का पोल खोल दिया। दरअसल ब्रायन को मारने के बाद इसकी लाश को कैंची से काटा गया, ये बात सिर्फ पुलिस जानती थी। तो फिर मैरी ने कैंची का जिक्र क्यों किया था? पुलिस ने मैरी और इसकी दोस्त नॉर्मा को अरेस्ट कर लिया। इस केस ने बर्तानिया में लोगों को शॉक में डाल दिया था।
एक 10 से 11 साल की लड़की जो दो बच्चों को कत्ल कर चुकी थी। मैरी अभी बच्ची थी, इसीलिए इसे सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपनी कैद के दौरान एक दफा मैरी बेल जेल से भी भाग गई थी, लेकिन इसको कुछ दिनों के बाद ही पकड़ लिया गया था। खैर दोस्तों, 12 साल के बाद मैरी को रिहा कर दिया गया, लेकिन इस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी कि कहीं इसका बिहेवियर फिर से पहले जैसा ना हो जाए। इसका नाम भी तब्दील कर दिया गया ताकि ये अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सके, क्योंकि जुर्म करते हुए इसकी उम्र बहुत छोटी थी। लेकिन ब्रिटिश मीडिया इसका पीछा करता रहा। मैरी की शादी भी हो गई और इसकी एक बच्ची भी है। आज ये कहाँ रहती है कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन इसकी कहानी पूरी दुनिया में आज भी मशहूर हुई हुई है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।